Hello everyone, welcome to Officer's Library. I think the first book that I read was Vivekanand Charit, a book on Swami Vivekanand. Reading I do like, but obviously there are other things also that I like. So whenever I get a chance to read, I do pick up a book. So whenever I am free and I don't have any other thing to do, maybe if I'm not watching a movie or something like that, then I pick up a book, right? Actually, it depends on two things. If I have some recommendations, obviously I go by the recommendations that I have. I pick up the same books. Else, if I happen to visit a bookshop, then I pick up the books. And it could be from any genre. I'm not very choosy about the subject that I intend to read. I simply pick up any book that interests me, a few pages, and then I try to go through it. I think of all the books that I have been able to read so far, one that motivates me a lot and I love it a lot is, I think, Srimad Bhagavad Gita. And it's not because it's a religious text, it's simply because of the fact that I have been able to relate to it quite often, even as an aspirant, even as a student, even as a person. Every time I pick up the book, I pick up some slokas and I find direct connection with the slokas mentioned there. अगर भगवद गीता की बात करें और बोलें कि कौन सा कोट फेवरेट है या कौन सा उनका श्लोक मेरा पसंदीदा है, तो ये कहना, इसका जवाब दे पाना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर एक श्लोक अपने आप में बहुत ज़बरदस्त संदेश लेकर के आता है, और अगर हम उसको थोड़ा सा आदत बनाएं और उसको हम देखें, तो हम ये पाएंगे कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए उसके पास एक अचूक समाधान है, और अगर हम उसको रिलेट कर सकें चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। विद्यार्थी की हैसियत से भी और सर्विस में भी और अदरवाइज भी, जब भी मैं गीता का कोई श्लोक ध्यान में आता है तो उसकी रिलेटिबिलिटी दिख जाती है, या कोई सिचुएशन हम देखते हैं तो हम गीता के किसी श्लोक से उसको जरूर रिलेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम एस्पिरेंट की बात करते हैं या जब उन परिस्थितियों की बात करते हैं जब हम एज अ स्टूडेंट फेस करते रहें, तो मुझे गीता का यह श्लोक भी बेहद पसंद आता है, जब अर्जुन और श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और अर्जुन हतोत्साहित हैं और उनके हाथ पैर फूल रहे हैं, वो लड़ाई करने से मना कर रहे हैं। भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, मतलब ये हृदय की दुर्बलता को आप त्यागी, ये क्षुद्र है। और वो कहते हैं कि लड़िए, अभी प्रेरित करते हैं कि वो जाकर के, अर्जुन जाकर के लड़ें। और उसमें वो कहते हैं कि हड़बड़ा क्यों रहे हो, घबड़ा क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो, अगर हारे तो वीरगति को प्राप्त हो, अगर जीते तो धरती का भोग करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धायाम कृत निश्चय। हतो वा, अगर हते गए, अगर वध हुआ तो वीर गति को प्राप्त होगे, और अगर जीते तो धरती का भोग करोगे। इसलिए उठो अर्जुन और युद्ध निश्चय निश्चित रूप से करो। तो युद्धायाम कृत निश्चय, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र मुझे ऐसा लगता है जो गीता हमें देती है। और उसी तरह से गीता का अंतिम श्लोक भी मुझे बेहद आकर्षित करता है, प्रेरित करता है कि यत्र योगेश्वर है कृष्ण। तो सारी गीता आपने पढ़ी, गीता का सारांश अंतिम श्लोक में है कि यत्र योगेश्वर है कृष्ण, यत्र पार्थो धनुधरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहीं श्री विजय विभूति है, ऐसा मेरा मत है। तो अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति और ऊपर वाले पर आस्था हो, तो मुझे लगता है कि ये सारी ही चीज़ें बेहद आसान हो जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई एक किताब है जिसने मुझे चेंज किया है, और ऐसा भी मैं कहूँगा कि शायद कोई ऐसी किताब भी नहीं है जिसने कुछ भी मुझ में चेंज नहीं किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ढेर सारी ऐसी किताबें हैं जो मैं पढ़ता रहता हूँ, और पढ़ने का उद्देश्य भी होता है कि उससे कुछ व्यक्तिगत स्तर पे कुछ सुधार हो, कुछ चेंजेस हो सेल्फ डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और लेकिन एक किताब जो हमेशा मुझे गाइड करती है, और वह है श्रीमद् भगवद गीता।
तो निश्चित रूप से उससे रिलेट कर पाना मेरे लिए आसान होता है। संस्कृत है, कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन अगर किसी सिचुएशन पे हम उसको अप्लाई करें तो बहुत हेल्प करती है। तो ये एक ऐसी किताब है, फिर श्री रामचरितमानस भी है जो गाइड करती है। ये थोड़े से दोनों ही रिलीजियस टेक्स्ट हैं, लेकिन क्योंकि हम सबकी परंपरा और संस्कृत का आईना है, दर्पण है ये किताबें, तो निश्चित रूप से ये दोनों ही किताबें मुझे कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करती हैं। ऑब्वियसली एक तो पढ़ना आदत में होना चाहिए आईएएस एस्पिरेंट्स के, इसलिए कि पहले आईएएस की तैयारी के लिए काफ़ी पढ़ने की आवश्यकता होती है। कई बार लोग स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क और इस तरह की बातें करते हैं कि अगर आप स्मार्टली पढ़ रहे हैं तो आपको कम पढ़ने की आवश्यकता होती है, लेकिन निश्चित रूप से आपको पढ़ने की आदत जब होगी तभी आप किसी चीज़ को ग्रेस्प करने की आप में क्षमता होगी, तभी आप किसी चीज़ को कॉम्प्रहेंड कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो आईएएस और या यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो कई बार सिलेबस के बाहर का भी सब्जेक्ट होता है, तो जब आप अनचार्टेड टेरिटरी को नेगोशिएट करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको सब्जेक्ट मैटर की नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप रिलेट करते हैं, कहीं और से ड्रॉ करते हैं उस नॉलेज को या इंस्पिरेशन को या उस एनर्जी को। तो अगर आपकी आदत है और आपकी वाइड रीडिंग है तो बहुत सारी चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हैं, उनको कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हैं और आप उनको हैंडल कर सकते हैं, इसलिए भी आवश्यक होना चाहिए। और दूसरी बात, जब आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य ये है कि आप आईएएस ऑफिसर बने, और आईएएस ऑफिसर बनने के बाद भी बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके पास रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, पेपर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं। तो अगर ये हम आदत शुरू से डेवलप कर लें तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जहाँ तक एक किताब की का सवाल है कि हर एस्पिरेंट को जो पढ़ना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक किताब नहीं है, किताबें तो ढेर सारी हैं जिनको पढ़ना चाहिए, लेकिन समय का भी अभाव रहता है और हर व्यक्ति का अपना अपना एक टेस्ट होता है, तो टेस्ट के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए जो हेल्प करती हैं हर मोमेंट पर, जो आपके तैयारी के अलग अलग फेजेस में आपको मोटिवेटेड रखती हैं, आपको एनर्जाइज रखती हैं, आपको फोकस रखती हैं। वो सब चीज़ें आपको हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि आप किताबें को पूरा पढ़ें, आप जितना पढ़ सकें बीच बीच में समय निकाल करके उनको पढ़ना चाहिए। फिर डिपेंड करता है कि आप कितनी गहराई से कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप अपने जो हॉबी हैं, जो ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, वो सब्जेक्ट्स आप पढ़ें, वो किताबें आप पढ़ें। लेकिन कुछ किताबें, जैसे कुछ बेसिक बुक्स भी हो सकती हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, कुछ थोड़ा डीप फिलोसॉफिकल बुक्स भी हो सकती हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका जॉनर क्या है, क्या आप पसंद करते हैं और आप कितना समय निकाल पाते हैं। एकाध कुछ किताबें जो एज एन एस्पिरेंट आप पढ़ सकते हैं, वो जैसे द एल्केमिस्ट एक किताब है जो हिंदी में भी उपलब्ध है, अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है भारत की, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ों का महत्व उस समय नहीं समझ में आता है, और कई बार मृग मरीचिका के चक्कर में हम लोग रहते हैं, जैसे कि एक मृग भागता है कस्तूरी के चक्कर में, उसी तरह से हम पीछे पड़े रहते हैं। ये एक ऐसी किताब है जो बड़े ही सरल शब्दों में आपको एक बहुत अच्छा संदेश आपको देती है। उसी तरह से जैसे मैं गीता की बात करूं, तो गीता भी एक ऐसी किताब है जो शुरू में तो लगती है कि मे बी थोड़ा सा संस्कृत में है, ओरिजिनल टेक्स्ट उसका संस्कृत में है, और फिर उसके बाद उसका क्या रिलेशन है, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हेल्प करती है। उसी तरह से जैसे जब हम राष्ट्र आईएएस ज्वाइन करना चाहते हैं, हम देश सेवा करना चाहते हैं, कुछ ऐसी किताबें जो हमें राष्ट्र प्रेम के प्रति अग्रसर करें, जो उनके लिए हमको उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, कुछ हमें ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे ये मनीषी रहे हैं जिन्होंने भारत के प्रेम को जिया है। अगर हम इस तरह से कुछ चीज़ें पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम बेहतर सेवाएँ देने में हम सफल होंगे, और हमें अपने राष्ट्र हित में काम करने के लिए सारी चीज़ें प्रेरित भी करेंगी। Read, read, and read.